नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त अंबुज कुमार और अभी हम हैं ग्वालपारा प्रखंड में और यहां के रसना पंचायत के मुखिया जी भोला दास जी हमारे साथ हैं। तो चलिए हम इनसे रसना पंचायत के विकास के मुद्दों पे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसे कि आप सभी ने देखा विधानसभा चुनाव के लगातार अपडेट हमने दिखा है और अब आप लोग के चुनाव की बारी है, तो ऐसे में किस तरह से आप लोग जनता के बीच जाएंगे और क्या मुद्दा रहेगा आपका वोट मांगने का? हमने विकास किया है, विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे जनता से और हमारी कामना है और वादा है, हमने विकास किया है और जो भी बचा हुआ है वो भी करके दिखाएंगे। क्या क्या विकास किए हैं आप उनकी जन? हमने विकास किया अभी तक 692 को प्रधानमंत्री आवास दिया है, 1700 शौचालय बनवाया है और 300 वृद्धा पेंशन दिया है और 10 से 15 नाला बनवाया है और हर गली नली बड़ा रोड छोटा रोड मिला के 44 बनवाया है और 1200 घर में BPL मिट्टी भरवाया है, शिव मंदिर का पोखर निर्माण करवाया है, शिव मंदिर का चारों साइड मिट्टी भरवाया है और चबूतरा बनवाया है, उसके बाद 1200 वृक्षारोपण करवाया है और आपको श्मशान बनवाया है, दो दो नल जल की योजना आपके हर घर में चल रही है। हर घर में नल जल का काम हद तक पूरा हो चुका है, 75%। नल जल से सर एक बात याद आ रही है, नल जल में जो सबसे बड़ी कमियां हैं वो है नलका को आप देख लीजिए, एक तो गड्ढा जो होता है वो उचित तरीका से नहीं किया जा रहा है, उसके बाद जो है नलका का जो पाइप होता है उसको अगर आप देखिए थोड़ा सा पैर चलाइए गिर जाएगा, क्या कहना चाहेंगे उसको? जी वो तो हर जगह जो है ना वो तो मात्र 1-2 फीट करके उस ज़मीन के अंदर में दिया जाता है और 1-2 फीट लमसम जो है ऊपर में दिया जाता है, वो पक्कीकरण कर दिया जाता है, जबरन करता है कोई ज़बरदस्ती कर देता है, उसके चलते वो जो है थोड़ा हिल जाता है। जैसे पता है कोरोना काल अभी भी है, पहले भी था, तो कोरोना काल में क्या सहायता की आप अपने पंचायत वासियों का? कितना मास्क का वितरण किया, साबुन का वितरण किया? हमने अभी तक हमने 30,000 से ऊपर मास्क का जो है वितरण करवा दिया है और एक बार नहीं दो दो बार करवाया है। साबुन हमने हर घर में दिया है, हर आदमी को दिया है, एक एक आदमी करके दिया है और जहां तक सवाल है पूरी पंचायत दो दो बार सैनिटाइज करवाया है।